हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए स्पेशली जिनको लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है। एज़ यू कैन सी के बहुत ही सॉफ्ट और सटल मेकअप है विदाउट लाइनर। सो फॉर दिस आई एम टेकिंग दिस बिग ब्लेंडिंग ब्रश एंड डिपेंड टू द पिंक आई शेडो एंड ब्लेंड इट अबव माई क्रीज। मैंने जो है वो क्रीज के ऊपर आई शेडो ब्लेंड करना है, ठीक है, एंड ब्लेंड इट वेरी नाइसली एंड सॉफ्टली। बहुत ही सॉफ्टली ब्लेंड करना है, नाइसली ब्लेंड करना है, हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, हार्शली ब्लेंड नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश एंड डिप इनटू द ब्राउन आई शेडो। और इस आई शेडो को मैंने आउटर कॉर्नर में ब्लेंड करना है बहुत ही सॉफ्टली और नाइसली, ठीक है। और एक छोटी सी टिप ये है कि जो है अगर आप आउटर कॉर्नर में कोई शेडो अप्लाई कर रहे हैं तो ब्रश को आपने डायरेक्टली आउटर कॉर्नर पे ही रखना है और उसको ब्लेंड करना है, ठीक है, ताकि आपका मोस्ट ऑफ द शेडो यानी ज़्यादातर शेडो जो है आई शेडो वो जो है वहीं पर लगे और वहाँ से ब्लेंड होना शुरू हो। ओके, देन मेक श्योर कि आपका जो आई शेडो है वो अच्छी तरीके से आँख में आपकी ब्लेंड हो चुका है या नहीं, ठीक है। आई हैव अ हुडेड आईज, आई ऑलरेडी मेंशन बिफोर, तो मैं जो हूँ इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी क्योंकि हुड में कहीं गैप रह जाता है। ओके, देन अगेन आई एम टेकिंग दिस बिग ब्लेंडिंग ब्रश। ये जो मैंने सबसे पहले ब्रश लिया था वही ब्रश लेके दोबारा उसको जो इनर कॉर्नर में, सबसे पहला जो आई शेडो लिया था वही आई शेडो लेके ब्लेंड कर रही हूँ इनर कॉर्नर में और दोबारा से उसको जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज में, ताकि जो मेरे दोनों शेड्स हैं वो आपस में जो है ब्लेंड हो जाए। एज़ यू कैन सी इट, आई एम टेकिंग दिस मीडियम साइज शेडर ब्रश एंड डिप इनटू द ब्राउन आई शेडो। अब मैं जो हूँ एक लाइन क्रिएट करूँगी। देखिए, एक लाइन बनानी है बिल्कुल आउटर कॉर्नर से, आपने एक लाइन बनानी है बिल्कुल स्मोक आउट टाइप की, ठीक है। या मैं सीधे स्ट्रेट देखकर लाइन बनाऊँगी क्योंकि मेरी हुडेड आइज़ हैं, ताकि जो है वो अच्छा डेंस लुक क्रिएट हो। ओके, देन आई एम टेकिंग दिस डेंस शेडर ब्रश। मैंने इसमें एक फेस पाउडर ले लें या क्रीम आई शेडो ले लें, यानी कि क्रीम कलर का आई शेडो ले लें या फेस पाउडर ले लें, एंड मेक अ वेरी नाइस कट क्रीज, ठीक है। एक सॉफ्ट क्रस कट क्रीज बनाएगी इससे, ठीक है। देन आई एम टेकिंग अ फ्लैट शेडर ब्रश एंड डिप इनटू दिस शिमर आई शेडो। और फिर मैंने शिमर आई शेडो अप्लाई करना है। अच्छा, फ्लैट शेडर ब्रश में आपने थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे कर लेना और फिर शिमर अप्लाई करना, उससे बहुत अच्छा अप्लाई होता है। एंड इसको फिर डिटेल करना है इनर कॉर्नर से। ओके, फिर आपने अगेन ब्राउन शेड लेना है और उसको जो है वो इस ब्लेंड करना है अपने शिमर आई शेडो के साथ, ताकि बीच में एक लाइन ना रहे, ठीक है, और अच्छा ब्लेंडेड लुक क्रिएट कर दें। और एक और टिप ये है कि अगर आपको और ब्लेंडेड लुक चाहिए तो आपने वही ब्रश लेना है जिससे आपने शिमर शेडो लगाया था, और उसमें ब्रश में जितने एक्स्ट्रा जो है वो पार्टिकल्स हैं वो आपने डैप करने हैं बिल्कुल आउटर कॉर्नर पे, तो उससे बहुत ही जो है वो सॉफ्ट और यू नो ब्लेंडेड लुक लगेगा आपका। और ये एक छोटी सी टिप है। मैंने अप्लाई हाईलाइटर इनर कॉर्नर और फिर मैंने जो है वो ब्लेंडिंग ब्रश से सबसे पहले इस्तेमाल किया था उसी से मैंने अपने जो है बिल्कुल लास्टली मैं ब्लेंड करूँगी। बिल्कुल सॉफ्टली ब्लेंड करना है, हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, जस्ट आपके जो ब्रश के ब्रशेस हैं वो टच हो, बहुत ही सॉफ्टली हो। फिर मैंने लोअर लैश लाइन को अपनी अपर लैश लाइन के साथ जो है वो मिलाना है, ठीक है, एक डार्क ब्राउन आई शेडो से जो मैंने अप्लाई किया था ऊपर भी लोअर लैश लाइन पर भी, ठीक है, तो इससे एक आई शेप क्रिएट हो जाएगा। ओके, पर मैं इसको ब्लेंड करूँगी विद द सेम आई शेडो जो मैंने अपनी क्रीज में अप्लाई किया है लाइट ब्राउन आई शेडो से, बिल्कुल नाइसली और सॉफ्टली। ओके, सो नाउ द टिप इज़ कि आपने जो है वो अपनी फिंगर यहाँ रखनी है और बिल्कुल एंड पर और पीछे की तरफ स्नैच करनी है, तो आपका जो आई शेड है एंड से वो बहुत ही ब्लेंडेड लगेगा। अगर आप उसको कंसीलर से साफ़ करेंगे तो बहुत ही शार्प लाइन क्रिएट कर देगा। ओके, अब लैशेस अप्लाई करेंगे। ये भी शीन से मैंने मंगवाई थी एंड आई विल लिंक द कोड इन द डिस्क्रिप्शन। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई अप्लाई वाइट पेंसिल इन माई वाटर लाइन एंड I hope you guys enjoy this video. If you do enjoy this video, please do subscribe my YouTube channel and like this video and comment down below if you want to see any of the look. Thank you. Bye.